अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नसरीन ईट चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आलू समोसा, वन बाइट आलू समोसा या मिनी समोसा। तो बस मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा ले लिया। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद इसमें मैंने हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल करी है। इसको आपने मसल कर फिर शामिल करनी है। हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल करना है, वन टी स्पून नमक शामिल करना है और 5 to 6 टेबल स्पून या मैंने घी शामिल करा था। घी आपने ज़्यादा शामिल करना है, तभी आपका डो जो है वो एकदम खस्ता तैयार होगा। ठीक है, बस आपने घी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये आपस में मुट्ठी सी इसमें बनने लगे, इस तरह जुड़ने लगे। जब ये जुड़ने लगे तो फिर उसके बाद आपने इसको पानी डालकर हार्ड डो तैयार करनी है। सॉफ्ट नहीं करनी है, हार्ड डो तैयार करनी है आपने। इसकी थोड़ी सी ना सख्त आटा गूंदना है। उसके बाद आपने इसको ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना। या मैंने आधा किलो बॉयल आलू लिए थे, इसको आपने मैशर से, कांटे से या हाथ की मदद से जैसे दिल चाहे आपको आसानी लगे कर लेना है मैश। उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून पुदीना, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी। धनिया को आपने रगड़ कर डालना है, 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है इसको इतना रगड़ के। बस ये सारे खुश्क मसाले और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें इसमें आलू में आपने शामिल कर देनी है। इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर लेना है कि नमक मिर्च सब आलू में अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम जो है वो आटे को, आधे घंटा हो गया है, इसको आपने अच्छे से दोबारा गूंद लेना है। उसके बाद आपने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है, इस साइज़ की 8 से 10 यहाँ मेरी बॉल्स बन गई थी। अब आपने इसको बेल लेना है, आपने बिल्कुल बारीक बेलना है, मोटा नहीं बेलना है। एक साइज़ की आपने रोटी इस तरह गोल बेलती जानी है और एक के ऊपर मैदा डस्ट कर करके रखते जाना है, एक के ऊपर एक। इस तरह मैंने सारी जो है वो बेलती जा रही थी। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ बेलकर कि कितनी बारीक आपने डोज की बेलनी है रोटी। ये देखें, बिल्कुल इस तरह आपने बिल्कुल गोल वो बेलनी है और एक साइज़ की। फिर इसको आपने इस तरह बीच में से छुरी की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आपको मैं समोसा फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ कि आपने दोनों साइड से इस तरह कोने मोड़ने, पानी की मदद से चिपकाकर आलू फिल करना है और ऊपर से इस तरह अगेन प्रेस करके चिपका देना है। जरा आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़े मज़े की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अच्छा, यहाँ पर समोसा फिल हमारे देखे कितने ज़्यादा तैयार हो गए, कितने कम मटेरियल से। बाहर से लें तो कितना एक्सपेंसिव पड़ते हैं। यार आधा किलो मैदे से मैंने कितने सारे समोसे तैयार कर लिए। या मैंने घी बिल्कुल नीम गरम करना है, आपने ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो समोसे के ऊपर छाले पड़ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल हल्का सा गर्म हो तो बस आपने उसमें समोसे छोड़ देने हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब समोसे थोड़े से ऊपर आने लग जाएं तो फिर आपने थोड़ी सी फ्लेम हाई कर देनी है। इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए एक साइड पर तो आपने साइड से इनकी चेंज कर देनी है और लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। आपने फ्लेम हाई नहीं करनी तो फिर डो जो है वो आपकी खस्ता नहीं तैयार होगी। और अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। मैंने इसको डिश आउट कर लिए थे। हमारे आलू समोसा रेडी हैं। आप इसको ग्रीन चटनी या रायते के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नसरीन ईट चैनल को सब्सक्राइब करें। आई वेट योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।